नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं सुशील और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद फ्लेम पर। एंड आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। और पालक पनीर बनाते टाइम में एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप पालक पनीर बना रहे हैं, पालक को जब आप बॉईल करते हैं, तो पालक को बॉईल करते हैं आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि उसे ओवर बॉईल ना करें, उसे 2 से 4 मिनट के लिए उबलते पानी में ही बॉईल करें, उसे ज्यादा देर तक बॉईल ना करें। एंड जब भी आप उसे स्टेम करते हैं, बॉईल करने के बाद जब उसे स्टेम करेंगे, तो किसी ठंडे पानी में उसे या नॉर्मल रनिंग वाटर में उसे स्टेम करें, ताकि आपका जो पालक का जो ग्रीनिश कलर है वो बचा रहे, बिल्कुल ग्रीनिश कलर रहे। एंड सेकेंड थिंग, जब भी आप उसे कुक करते हैं, जब भी आप किसी पैन या कढ़ाई में उसे कुक करते हैं, तो ध्यान रखें उसे ओवर कुक नहीं करें। एक बॉइलिंग के टाइम में उसे ओवर कुक ना करें। सेकेंड, उसे पैन में जब आप तड़का मारते हैं उसमें, तो उसे ओवर कुक ना करें। क्या होता है कि उसका जो कलर है वो ब्राउनिश हो जाता है। जब भी हम पालक को ओवर कुक या ओवर बॉइल करेंगे, तो एक उसका जो कलर है वो फेड हो जाता है, सेकेंड जो उसका कलर है वो ब्राउनिश होने लग जाता है। तो खास ध्यान रखें कि पालक को ओवर कुक एंड ओवर बॉइल ना करें, उसके कलर के लिए, उसके कलर के बचाने के लिए एंड उसके टेस्ट के लिए। हमारे इंग्रेडिएंट्स ये देखिए, ये ब्लांच करके पालक का मैंने पेस्ट बनाया है यहाँ पे, ये देखिए। एंड ये है पनीर के क्यूब्स, एंड ये है चॉप जिंजर एंड चॉप गार्लिक, एंड ये है मेरे पास चॉप किया हुआ ग्रीन चिली, एंड ये है मेरे पास बटर। एक पैन में ऑयल गरम किया है, एंड ऑयल हमारा गरम हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखिए। एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ जिंजर एंड चॉप किया हुआ गार्लिक, क्योंकि जो गार्लिक है और जो पालक और गार्लिक का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा होता है। एंड इसे हम थोड़ा सा कुक करेंगे गोल्डन कलर आने तक, देखिए। हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ ग्रीन चिली, और एक चीज का जरूर ध्यान रखें, हमें किसी भी टाइप के स्पाइसेस का यूज नहीं। जिंजर और गार्लिक हमारा गोल्डन कलर का आ गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम टर्मरिक पाउडर। इस टर्मरिक पाउडर से क्या होता है, हमारे जो पालक का कलर है वो एक ब्राइट कलर आता है, एक उसका अच्छा कलर आ जाता है। तो ये देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे पालक का पेस्ट, इसे सौते करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे लिटिल बिट वाटर, क्योंकि हमारी जो पालक पनीर है वो ज्यादा थिक ना रहे, तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी यूज कर लिया है। एंड अब हम इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे, इसे हम ओवर कुक नहीं करेंगे, एंड हम किसी भी टाइप के स्पाइसेस का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ टर्मरिक पाउडर का यूज करेंगे, वो इसके कलर के लिए करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट, ये देखिए। एंड इसमें हम ऐड करेंगे लिटिल बिट बटर, ये देखिए, ये हमने बटर ऐड कर दिया। एंड अब हम इसे थोड़ा सा कुक करेंगे, ये देखिए। एंड हम जो क्रीम है हमारी, वो हम अभी बाद में यूज करेंगे। इसे हमने 5 to 7 मिनट्स हमने इसे लो मीडियम फ्लेम पर कुक कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर के क्यूब्स, ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा सौते करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा पालक पनीर रेडी हो गया है। बस इसे हम थोड़ा सा और कुक करेंगे, तो देखिए कितना अच्छा ग्रीनिश कलर आया है इसका। और किसी भी टाइप के स्पाइसेस का यूज नहीं करेंगे हम, सिर्फ ग्रीन चिली एंड टर्मरिक पाउडर का यूज करेंगे। हमारा पालक पनीर बिल्कुल रेडी हो गया है, एंड अब हम इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे, एंड अब हम करेंगे इसकी गार्निश। हमारा पालक पनीर बिल्कुल रेडी हो गया, हमने इसे गार्निश कर दिया, ये देखिए, ये हमारा पालक पनीर। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से सिंपल एंड इजी मेथड से आप रेस्टोरेंट जैसा पालक पनीर घर पे ट्राई कीजिए, बिल्कुल आसान और इजी मेथड है। एंड फ्रेंड्स, पालक पनीर की रेसिपी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसे वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ।